बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्लास आज का लेक्चर अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक है फिक्स रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स जो हैं ये एक ऐसे कंपोनेंट होते हैं कि जब करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट में तो ये एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस उसको देते हैं, अपोजिशन देते हैं करंट के फ्लो को। रेजिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जाता है ओम्स के अंदर। इसमें बेसिकली रेजिस्टर्स को अगर देखें तो इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक फिक्स्ड होती है और एक वेरिएबल होती है। वेरिएबल रेजिस्टर्स वो होते हैं कि जो कि उनकी एक रेंज होती है वैल्यू की रेजिस्टेंस की, मिसाल के तौर पे 5K से 20K, 5 किलो ओम से 15 किलो ओम, ये एक लिमिट होती है। विद इन दैट लिमिट उनकी रेजिस्टेंस वेरी करती है, कम ज्यादा होती है। और जो फिक्स रेजिस्टर्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। जैसा आप ये बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि एक वायर वाउंड रेजिस्टर आपको नजर आ रहा है और इसके ऊपर इसकी वैल्यू 1K लिखी हुई है, सही है। तो इसी तरह से उसकी वैल्यू फिक्स होती है, उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होता। तो दो तरह के रजिस्टर होते हैं, एक फिक्स रजिस्टर्स होते हैं और एक वेरिएबल रजिस्टर्स होते हैं, सही है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो फिक्स रजिस्टर्स के बारे में है। कुछ रजिस्टर्स पे मार्किंग होती है, लिखा हुआ होता है कि जी इनकी रजिस्टर्स कितनी है, ये फिक्स रजिस्टर कहलाते हैं। कुछ के ऊपर स्ट्रिप्स, ये जैसा आप देख रहे हैं ये बैंड्स बने होते हैं और इन बैंड्स के थ्रू हम बताते हैं कि ये इसका जो कलर कोड है। कलर कोड वाले लेक्चर को आप रेफर कर सकते हैं कि इसका कलर कोड क्या बन रहा है, सही है। तो आइए आगे चलते हैं स्कीम ऑफ लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेजिस्टर्स क्या होते हैं, फिक्स रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, सिंबल पढ़ेंगे फिक्स रेजिस्टर का क्या होता है और टाइप्स फिक्स रेजिस्टर की। देखिए इनकी भी बहुत सारी अलग अलग टाइप्स होती हैं। वायर वाउंड होता है, कार्बन कंपोजिशन होता है, सेरेमेंट फिल्म रेजिस्टर्स होते हैं, मेटल फिल्म रेजिस्टर्स होते हैं, इनकी बहुत सारी टाइप होती है। फ्यूजेबल रेजिस्टर्स होते हैं जो आपके आगे यहाँ बने हुए, तो ये बड़ी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और इनके सर्किट्स में अलग अलग फंक्शन होते हैं। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस जो होती है वो अपोजिशन करती है करंट के फ्लो को। बाद जगह हमें करंट को लिमिट करना होता है तो वहां पे हम रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। समरी फिर आपके लेक्चर की आपको दूंगा और एट द एंड आपको जो है वो असाइनमेंट दूंगा इससे रिलेटेड। सबसे पहले रेजिस्टर्स की तारीफ को देखते हैं, द प्रोसेस रेजिस्टेंस क्या है और उसी से फिर रेजिस्टर भी निकले। सबसे पहले रेजिस्टेंस देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू सर्टेन लेवल इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये वो अमल जिसमें आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को एक सर्टेन लेवल पर, एक सर्टेन वैल्यू के ऊपर, उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। द डिवाइस और कंपोनेंट यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो डिवाइस जो करंट को लिमिट करने के लिए, करंट के फ्लो को महदूद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है एक खास लेवल के लिए, उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। और उसको कहा जाता है, प्रोसेस को रेजिस्टेंस कहा जाता है और उस डिवाइस को कहा जाता है रेजिस्टर। ये बड़ी कॉमन रेजिस्टर आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी देखेंगे, ये लगे होते हैं या आपके आगे सामने बना हुआ एक रेजिस्टर, सही। क्योंकि हमें कई जगह पे वोल्टेज को डिवाइड करना होता है, सही है, डिफरेंट वैल्यूज वोल्टेज की देनी होती है, तो वहां पे हम रेजिस्टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स। बेसिकली देयर आर, अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स। बेसिक क्लासिफिकेशन जो है उसमें फिक्स रेजिस्टर्स और वेरिएबल होते हैं। फिक्स रेजिस्टर्स वो होते हैं जिनकी एक फिक्स वैल्यू होती है, उन पे मार्क होती है, पत्थर पे लकीर, उनके ऊपर मार्किंग हुई भी होती है या लिखा होता है उनकी वैल्यू रेजिस्टर्स के ऊपर, या फिर उसके ऊपर स्ट्रिप्स से मार्किंग होती है, उसकी वैल्यू वही होगी, थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है। लेकिन वेरिएबल रेजिस्टर्स जो होते हैं उनकी वैल्यू चेंज करती है, वेरी करती है। आइए आगे चलते हैं। फिक्स रेजिस्टर्स क्या होते हैं, द डिवाइस विच ओनली रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू अ सर्टेन लेवल बट डज नॉट वेरी और कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड ए फिक्स रेजिस्टर। फिक्स रेजिस्टर वो होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है एक खास लेवल के ऊपर। आपने रेजिस्टेंस लगा दी और वो उसकी वेरिएशन नहीं होती उसके अंदर, बल्कि वो एक वो वेरी नहीं करता, उसकी रेजिस्टेंस जो है कंट्रोल नहीं करता फ्लो ऑफ करंट को, बल्कि वो सिर्फ एक खास वैल्यू तक उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, तो ये कहलाता है फिक्स रेजिस्टर। उसमें रेजिस्टेंस वेरी नहीं करता। फिक्स रेजिस्टर्स आर द रेजिस्टर हुज रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज विद द चेंज इन वोल्टेज और टेम्परेचर। फिक्स रेजिस्टर वो होते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो वोल्टेज और टेम्परेचर में वेरिएशन से उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, उनकी वैल्यू वही रहती है। फिक्स रेजिस्टर्स आर अवेलेबल इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस, बहुत सारी शेप्स और साइजेस के अंदर ये अवेलेबल होते हैं फिक्स रेजिस्टर्स। एन आइडियल फिक्स रेजिस्टर प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस अंडर ऑल एनवायरमेंट्स। आइडियल रेजिस्टर वो होता है जो कि हर एनवायरमेंट के अंदर टेम्परेचर वेरिएशन हो रही है या और कोई वेरिएशन हो रही है तो उसके अंदर जो है वो जो उसकी रेजिस्टेंस होती है वही प्रोवाइड करता है जो उस पर मार्क्ड होती है। हाउएवर द रेजिस्टेंस ऑफ द प्रैक्टिकल रेजिस्टर वेरीज स्लाइटली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर का रेजिस्टेंस में इफेक्ट होता है, कभी वो बढ़ जाती है कभी वो कम हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मटेरियल जो है वो आपने उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि टेम्परेचर के इफेक्ट्स होते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर।
द मोस्ट, और ये हम पढ़ चुके हैं पहले, जो हमने फोर फैक्टर्स पढ़े थे रेजिस्टेंस के ऊपर इंपैक्ट करते हैं, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज रेजिस्टेंस वैल्यूज ऑफ द फिक्स रेजिस्टर इंक्लूड 100 किलो ओम्स, 10 किलो ओम्स, 100 ओम्स एंड 10 ओम्स. ये मुख्तलिफ वैल्यूज हैं जो फिक्स रेजिस्टर की हम सर्किट डिजाइन कर रहे होते हैं तो इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज डिवाइडर बनाने के लिए और दूसरी जगह पे इस्तेमाल करते हैं उसके लिए. दी इलेक्ट्रॉनिक, दी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC स्टैंडर्ड एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड फिक्स रजिस्टर सिंबल इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो. ये फिक्स रजिस्टर के सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं. ये अमेरिकन स्टैंडर्ड जो होता है ये जिगजैग फॉर्म में होता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, और IEC का जो है वो ब्लॉक फॉर्म में होता है. ये दोनों स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ज्यादातर आपको ये अमेरिकन स्टैंडर्ड वाले मिलेंगे किताबों के अंदर हमारी. फिक्स रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ टू टर्मिनल, जिसके दो टर्मिनल होते हैं जैसा कि आपको यहाँ दिखाए हुए हैं. दिस टू टर्मिनल आर यूज टू कनेक्ट विद द कंपोनेंट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. ये दो टर्मिनल इस्तेमाल होते हैं, इनसे ये रेजिस्टेंसेस जो होती हैं ये दूसरे कंपोनेंट के साथ इनको कनेक्ट किया जाता है. टाइप्स ऑफ फिक्स रजिस्टर, द फिक्स रजिस्टर आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड द मटीरियल यूज्ड इन देयर मैन्युफैक्चरिंग. फिक्स रजिस्टर को अलग अलग टाइप्स में क्लासिफिकेशन उनकी की जाती है, डिपेंड करती है जी किस मटीरियल से वो बनाए गए हैं, क्या उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है. द क्लासिफिकेशन इज एज फॉलोज, नीचे क्लासिफिकेशन दी हुई है और उसके बाद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्स रजिस्टर्स इंक्लूड, जो इसमें क्या क्या सात तरह की बेसिक टाइप्स हैं और भी होंगी लेकिन बेसिक टाइप्स ये सेवन है. वायर माउंट रजिस्टर है, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है, ये दो कॉमन टाइप्स हैं. अच्छा, फिर मेटल फिल्म, ये बहुत कॉमन टाइप है, और सेरिमेंट फिल्म, ये बड़ी चार कॉमन टाइप्स है, बहुत आपको मिलेंगी ये. उसके अलावा मेटल फिल्म रजिस्टर होते हैं, मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर होते हैं, मेटल ग्लेस रजिस्टर्स होते हैं, सेरिमेंट फिल्म रजिस्टर्स होते हैं. ये सारे अलग अलग जो है वो नामों के और अलग अलग टेक्निक से बनाए गए रेजिस्टेंसेज हैं और इनको अलग अलग एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है. इनकी जो कैपेबिलिटी है उसके लिहाज से इनकी क्या प्रॉपर्टीज है. ये आप चार्ट देख रहे हैं फिक्स रेजिस्टर के खानदान का, कार्बन कंपोजिशन, वायर माउंट, ये बड़े कॉमन रेजिस्टर्स हैं और बहुत पुराने हैं, बहुत काफी पहले से ये रेजिस्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं. फिर थिक फिल्म के अंदर, थिक फिल्म में इसमें एक लेयर बनाई जाती है थिक मटेरियल की और उसके अंदर कौन कौन से आते हैं जी, उसके जरिए रेजिस्टेंस पैदा की जाती है. उसमें फ्यूजेबल रेजिस्टर्स होते हैं जो फ्यूज हो जाते हैं, एज अ फ्यूज भी काम करते हैं वो, अगर ज्यादा उनमें से करंट पास किया जाए तो मेल्ट हो जाते हैं और सर्किट ब्रेक कर देते हैं. उसके अलावा सेरिमेंट जो है ये सेरामिक और मेटल से मिलकर बनते हैं जी फिल्म, उनकी लेयर होती है. मेटल ऑक्साइड रेजिस्टर्स होते हैं. उसके बाद थिन फिल्म के अंदर कार्बन फिल्म और मेटल फिल्म. तो ये हमारे पास खानदान रेजिस्टेंस का, सही है, अलग अलग टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स आपके आगे मौजूद है. वायर वाउंड रजिस्टर क्या होता है जी, अ वायर वाउंड रजिस्टर इज अ टाइप ऑफ पैसिव कंपोनेंट. ये रेजिस्टेंसेज जो होती हैं ये इलेक्ट्रॉनिक में पैसिव कंपोनेंट को कंसिडर किया जाता है. ये कोई सप्लाई नहीं लेती और जो है एक्सटर्नल इनको कोई सप्लाई नहीं प्रोवाइड की जाती ऑपरेशन के लिए, सही है. विच इज मेड बाय वाइंडिंग द मेटल वायर अराउंड ए मेटल कोर. ये मेटल वायर जो होती है ये जो है वो मेटल कोर के ऊपर इसको वायर को वाइंड किया जाता है, उससे बनाई जाती है. द मेटल वायर एक्ट्स एज द रेजिस्टिव एलिमेंट. मेटल वायर बिहेव करती है लाइक अ रेजिस्टिव एलिमेंट टू द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल करंट के लिए. हिंस द मेटल वायर रिस्ट्रिक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट टू सर्टेन लेवल. तो वो इलेक्ट्रिक करंट को रिस्ट्रिक्ट करती है, उसको ऑपोजिशन देती है फ्लो में. आपको पता है कि मेटल वायर की आप जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाएंगे, ये खास किस्म का निक्रोम का वायर होता है, इसकी लेंथ बढ़ाएंगे उतनी उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. द मेटल कोर एक्ट्स एज द नॉन कंडक्टिव मटीरियल. ये नॉन कंडक्टिव मटीरियल के तौर पर काम करती है. हिंस इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट. और ये इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से कोर पास होने नहीं देती. कोर इस तरह के मटेरियल की होती है, इसके ऊपर लेमिनेशन होती है, इंसुलेशन होती है, तो ये अपने ऊपर से अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देती. करंट जो है वो ये वायर के थ्रू जाता है और उससे रेजिस्टेंस ये जनरेट करता है. ये वायर वाउंड रेजिस्टर कहलाता है, यानी कि वायर किसी चीज वाउंड मींस उसके ऊपर लिपटा होना. तो ये वायर वाउंड रेजिस्टर्स होते हैं. इसमें सिरेमिक की भी होती है ये कोर, बाज दफा जो है वो मेटल लाइक मटीरियल होता है जिसमें इंसुलेशन होती है और फिर उस वायर में से करंट पास होती है. कार्बन वायर वाउंड हमने पढ़ लिया, कार्बन कंपोजिशन पढ़ते हैं जी. ये देखें, ये इसमें भी दो टर्मिनल है हमारे पास और इसके अंदर हमारे पास लीड्स हैं. इन कार्बन कंपोजिशन के अंदर कहीं इसमें ये कार्बन और बाइंडर मटेरियल होता है, उसका मिक्सचर होता है ये कार्बन. अमूमन ये कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है. जो हीरा है वो भी कार्बन है, सही है. और कोक जमीन में से निकलता है लिक्विड फॉर्म के अंदर एक मटीरियल होता है, वो भी कार्बन है, COKE. और कोल जो है वो भी कार्बन है, और डायमंड भी कार्बन है, और ग्रेफाइट भी कार्बन है, सही है.
तो ये कार्बन जो होता है इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है ग्रेफाइट, वो इसके अंदर यूज की जाती है और इसके जरिए से रेजिस्टेंस को पैदा किया जाता है। द कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर्स आर ए ब्लेंड ऑफ कार्बन पार्टिकल्स, जिसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, इसमें उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म ग्रेफाइट होती है, इसमें सेरेमिक डस्ट होती है सेरेमिक मटीरियल की, मिक्स्ड विद अ बाइंडर सब्सटेंस लाइक क्ले, एक बाइंडर सब्सटेंस होता है क्ले की तरह जो इन सबको आपस में जोड़ता है। दिस मिक्सचर इज ट्रीटेड विद हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, इस मिक्सचर को ट्रीट किया जाता है हाई प्रेशर और टेम्परेचर के साथ। आफ्टर द होल थिंग इज मोल्डेड इन अ केस, जब सारा जो मटीरियल है उसको केस की फॉर्म में बना लिया जाता है। द रजिस्टर द लीड्स आर फिक्स, उसके साथ में लीड्स को जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में, उनको फिक्स किया जाता है। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स आर यूज इन सच प्रोटेक्शन, जहाँ वोल्टेज ज्यादा आ जाता है उससे बचाने के लिए यूज होते हैं। करंट लिमिटिंग, करंट को कम करने के लिए, जिस सर्किट में अगर आपने करंट की वैल्यू को कम, जैसे आपने देखा होगा एलईडी लगी होती है तो वो डायरेक्ट सप्लाई के साथ ही बीच में उसके साथ रेजिस्टेंस लगी होती है सीरीज में, तो वो लगाई जाती है ताकि वो हैवी ज्यादा करंट उसमें फ्लो कर गया तो वो डैमेज हो सकती है। एंड हाई वोल्टेज पावर सप्लाईज के अंदर ये रेजिस्टेंसेस यूज होती हैं, सही है। तो ये मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं आपके कार्बन कंपोजिशन की, और इसमें कार्बन, ये अपने जहन में रखना है, कार्बन ग्रेफाइट और सेरेमिक मटीरियल जो है वो इस्तेमाल होता है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर में। उसके बाद जी कार्बन फिल्म रजिस्टर होता है जी, अ कार्बन फिल्म रजिस्टर इज मेड बाय डिपॉजिटिंग ए कार्बन फिल्म लेयर ऑन अ सेरेमिक सबस्ट्रेट। कार्बन जो फिल्म रजिस्टर होता है उसमें हम क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं एक कार्बन फिल्म की एक लेयर को, कार्बन फिल्म की लेयर को डिपॉजिट करते हैं सेरेमिक सबस्ट्रेट के ऊपर, सेरेमिक मटीरियल होता है उसके ऊपर हम कार्बन की लेयर को जो है डिपॉजिट करते हैं। कार्बन फिल्म एक्ट एज द रेजिस्टिव मटीरियल, कार्बन फिल्म जो है वो रेजिस्टिव मटीरियल की तरह बिहेव करती है टू द करंट, करंट के लिए वो उसको रेजिस्टेंस देती है। एंड द सेरेमिक सब्सटेंस एक्ट एज द इंसुलेटिंग मटीरियल, और सेरेमिक जो है वो एज ए इंसुलेटिंग मटीरियल यानी नॉन कंडक्टिव मटीरियल एक्ट करता है, वो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देता। कार्बन इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है ग्रेफाइट, जो कि अपने अंदर से करंट की कुछ अमाउंट को पास होने देती है और उससे रेजिस्टेंस जनरेट की जाती है। मेटल कैप्स, दोनों तरफ लीड्स होती हैं आपकी, वो लगाई जाती हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये, इनको मेटल कैप्स कहा जा रहा है, ये देखें ये एंड कैप जो है, सही ना, ये आपकी जो है वो सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट के ऊपर ये कार्बन की जो लेयर है वो चढ़ी हुई है, सही है ना, ये कार्बन की डिपोजिशन हुई हुई है, ये अंदर जो है वो आपको नजर आ रहा है, ये सेरेमिक रॉड या सेरेमिक सबस्ट्रेट है, सही है। और ये है जी कार्बन फिल्म स्प्रेल्ड अवे टू गिव वैल्यू, ये कार्बन की जो मटेरियल होता है उसको हमने उसके ऊपर डिपॉजिट किया होता है और उसके ऊपर हमने एक इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग की होती है ताकि उसको एक प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल कोट कर दिया जाता है और उस पर फिर मार्किंग की जाती है स्ट्रिप से, वो जो उसके ऊपर बैंड्स बने होते हैं जिससे हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। द कार्बन फिल्म एक्ट एज द रेजिस्टिव मटीरियल, कार्बन फिल्म जो है वो रेजिस्टेंस जनरेट कर रही होती है एक स्पेसिफिक वैल्यू की। एंड द सेरेमिक सबस्ट्रेट एक्ट एज ए इंसुलेटिंग सब्सटेंस, और सेरेमिक जो है वो एज एन इंसुलेटर काम करता है। मेटालिक कैप्स आर फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स एंड कॉपर लीड्स आर ड्रॉन आउट, मेटालिक सब्सटेंस जो है, मेटालिक जो कैप्स होती हैं वो फिट कर दी जाती हैं दोनों एंड्स के ऊपर और कॉपर लीड्स आर ड्रॉन आउट, और उसमें से कॉपर लीड्स निकली होती हैं। द मेन एडवांटेजेस ऑफ दीज रेजिस्टर्स आर देयर हाई स्टेबिलिटी, इनकी स्टेबिलिटी होती है, ये हैवी, इनको अगर जो है वो लिमिट से ज्यादा गर्मी हो या जो है वो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए इनका, या फिर आप इनको ज्यादा पावर भी दे दें, ये उसको फिर भी अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू को स्टेबल रखते हैं और वही रेजिस्टेंस वैल्यू देते हैं जो इन पे मार्क होती है। वाइड ऑपरेटिंग रेंज, इनकी ऑपरेटिंग रेंज वाइडर वोल्टेजेस के ऊपर ये काम करते हैं। लो नॉइज जनरेट करते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक नॉइज होती है इनके अंदर बहुत कम होती है। लो कॉस्ट, इनकी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, एक्सपेंसिव इतने ज्यादा नहीं होते। द कार्बन फिल्म रजिस्टर्स आर द मोस्ट प्रेफर्ड वंस ओवर कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर्स, कार्बन फिल्म रेजिस्टर कार्बन कंपोजिशन पे प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि ये ज्यादा जो है इनकी प्रिसिशन होती है, वैल्यू उनकी बड़ी जो है ना वो एक्यूरेट होती है, उसमें एरर नहीं होता, जो स्ट्रप्स लगे होते हैं वही वैल्यू होती है वैल्यू, और इनमें चांसेस कम होते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट ना हो उसके अंदर। मोस्ट प्रेफर्ड ओवर कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर ड्यू टू देयर लो नॉइज, इसकी नॉइज भी लो होती है इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है। मेटल फिल्म रेजिस्टर्स, सही है ना, ये आपकी मेटल फिल्म रेजिस्टर की कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई हुई है कि इसके अंदर जो है वो सेरेमिक, अंदर देखें आप तो सबस्ट्रेट होता है और सेरेमिक सबस्ट्रेट के ऊपर एक मेटल की फिल्म होती है, ये देख रहे हैं आप, ये जो चल रही है मेटल फिल्म चढ़ी होती है और उसके जरिए से उसकी लेंथ को बढ़ा के या घटा के जो है वो रेजिस्टेंस को वेरी किया जा रहा होता है और एक स्पेसिफिक वैल्यू सेट की जा रही होती है। आपने देखा ना रेजिस्टर पे लिखा होता है कि 3 ओम का है, 4 ओम का है, 10 ओम का है, 10 के का है, तो इस तरह से उसकी वैल्यू, ये मेटल फिल्म रेजिस्टर्स कहलाते हैं। द फिल्म कोटिंग मेक्स द डिफरेंस बिटवीन
मेटल ऑक्साइड फिल्म रेजिस्टर्स एंड मेटल फिल्म रेजिस्टर्स, जो फिल्म की कोटिंग होती है वो डिफरेंस बताती है कि जी मेटल ऑक्साइड में और मेटल फिल्म रेजिस्टर्स में क्या फर्क होता है. अ थिन फिल्म ऑफ मेटालिक सब्सटेंस सच एज निकल क्रोमियम इज यूज टू कोट द रेजिस्टर. एक थिन फिल्म होती है निक्रोम, निकल और क्रोमियम की, जो कोट करती है मेटल को, जो सब्सट्रेट को, जो अंदर मेटालिक सब्सटेंस है, मेटालिक सब्सटेंस जो है वो उसको कोट कर रही होती है. वेयर एज अ फिल्म ऑफ मेटल ऑक्साइड लाइक टिन ऑक्साइड इज यूज टू कोट द रेजिस्टर इन ए मेटल ऑक्साइड रेजिस्टर. उसमें फिर रेजिस्टर को फर्दर हम जो है वो मेटल ऑक्साइड यूज करते हैं जिससे उसके ऊपर कोटिंग की जाती है रेजिस्टेंस के ऊपर. मेटल फिल्म रेजिस्टर्स हैव लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस का लो होता है, विच मीन्स द रेजिस्टेंस इज लेस अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर. इसका मतलब ये होता है कि ये टेम्परेचर वेरिएशन से इनके ऊपर बहुत कम इफेक्ट पड़ता है. सेरेमेंट, सेरेमेंट आपको मैंने बताया सिरेमिक और मेटल से बनाए, तो आइए सेरेमेंट को पढ़ते हैं. ये भी एक तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, आपको पिक्चर दिखाई भी है. ये मल्टीपल इसके टर्मिनल्स हैं आउटपुट, सही है ना, और टू टर्मिनल वाले भी होते हैं, ये कहलाते हैं सेरेमिक, सेरेमेंट फिल्म रेजिस्टर्स. द सेरेमेंट फिल्म रेजिस्टर्स आर द फिल्म रेजिस्टर्स मेड अप ऑफ ए स्पेशल मटीरियल कॉल्ड सेरेमेंट. ये मटीरियल खास मटीरियल के बने होते हैं जिसको सेरेमेंट कहा जाता है, उसकी लेयर से ये बनाए जाते हैं. सेरेमेंट इज अ कंपोजिशन अलॉय मेड बाय कंबाइनिंग सेरेमिक एंड मेटल. ये एक अलॉय होता है जो मेटल और सेरेमिक को मिक्स करके बनाया जाता है. दिस कॉम्बिनेशन प्रोवाइड्स एडवांटेजेस इन बोथ ऑफ दीज मटीरियल्स लाइक हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस एंड वेयर रेजिस्टेंस ऑफ सेरेमिक अलॉन्ग विथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटल. ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये दोनों एडवांटेजेस हमें प्रोवाइड करता है, बोथ दी एडवांटेजेस मटेरियल्स के. एक तो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होती है, हाई टेम्परेचर के ऊपर भी वैल्यू को अपने ये रेजिस्ट करता है और अपनी वैल्यू को ये फिक्स रखता है. एंड वेयर रेजिस्टेंस ऑफ सेरेमिक अलॉन्ग विथ फ्लेक्सिबिलिटी, और इसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसको स्टेबल रखता है. एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटीरियल, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मटीरियल की जो रहती है वो उसके अंदर सेट रहती है. तो ये कहलाते हैं जी सेरेमेंट फिल्म रेजिस्टर्स. ये स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर भी, और ये सेरेमिक और मेटल की जो फिल्म है लेयर है उसको ये इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं ये सेरेमेंट फिल्म. ये इट्स अ टाइप ऑफ फिक्स रेजिस्टर्स. फ्यूजिबल रेजिस्टर्स क्या होते हैं? फ्यूजिबल रेजिस्टर इज अ वायर वाउंड रेजिस्टर. ये एक वायर वाउंड रेजिस्टर होता है, इसमें भी एक वायर होता है दैट इज डिजाइन टू बर्न ओपन. ये इस तरह का वायर होता है जिस तरह फ्यूजेस आपने पढ़े थे उसमें वायर होता है जो मेल्ट कर जाती है, तो ये मेल्ट हो जाती है इजिली, टू बर्न ओपन इजिली वेन द पावर रेटिंग ऑफ द रेजिस्टर इज एक्सीडेड. जब भी रेजिस्टर की पावर रेटिंग एक्सीड करती है तो रेजिस्टर जो है वो मेल्ट होकर ओपन हो जाता है, और जब वो मेल्ट होकर ओपन हो जाता है तो करंट का फ्लो रुक जाता है. ये देखें आप इसके अंदर भी देखें तो एक आपके पास कोर है और कोर के ऊपर जो है वो आपकी वायर चढ़ी होती है, और उस वायर से आपका जो है वो करंट उसके थ्रू पास हो रहा होता है. ये आपके आगे पिक्चर भी बनी हुई है ये किस शेप के होते हैं ये फ्यूजिबल रेजिस्टर्स. इन दिस वे फ्यूजिबल रेजिस्टर सर्व्स ड्यूअल फंक्शंस. दो फंक्शन सर्व करते हैं. एक तो आपकी डिजायर्ड जितनी भी आपको रेजिस्टेंस चाहिए 10K चाहिए, 10 ओम चाहिए, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और एज अ फ्यूज भी काम करते हैं. अगर जो है वो एक रेटिंग उसकी दी हुई है वो रेटेड वैल्यू से ज्यादा अगर आप उसको करंट उसमें से पास करने की कोशिश करें तो वो मेल्ट कर जाते हैं और आपके सर्किट को बचा लेते हैं, ओपन हो जाते हैं. व्हेन द पावर इज नॉट एक्सीडेड, पावर एक्सीड नहीं होती, इट सर्व एज अ लिमिटिंग रेजिस्टर. वो नॉर्मल लिमिटिंग रेजिस्टर के तौर पर काम करता है, करंट को लिमिट करता है. रेजिस्टर का क्या काम है? करंट को लिमिट करना, वही नॉर्मल ऑपरेशन करता है फ्यूजिबल रेजिस्टर. When the power rating is exceeded, जैसे ही power rating उसकी बढ़ती है, it function as a fuse. वो foreign fuse की तरह काम करना शुरू कर देता है. जैसे बताया था आपको कि fuse जो है वो tin, zinc और मुख्तलिफ metals का बना होता है, जो कि उनका low melting point होता है, heating effect of current की वजह से वो melt कर जाते हैं. बिल्कुल यही यहाँ पर ये वो होता है. Its function as a fuse, वो fuse की तरह काम करता है, burning up, melt कर जाता है, and becoming an open in the circuit. और वो open बन जाता है circuit में ताकि current का further flow ना हो. To protect components in the circuit फ्रॉम एक्सेस करंट, ताकि वो एक्सेस करंट से कंपोनेंट्स को बचा सके. सही, हर डिवाइस में आपके ये फ्यूजिबल रेजिस्टर्स होते हैं या फिर जो फ्यूजेस लगे होते हैं, ये अगर ज्यादा हैवी वोल्टेजेस आते हैं तो ज्यादा करंट पास होता है तो उसकी वजह से ये मेल्ट हो जाते हैं और आपकी सर्किट को डैमेज होने से बचा लेते हैं. ये सेफ्टी या प्रोटेक्शन डिवाइसेज होती है. आइए हम एक सीबीटी देखते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि फिक्स रेजिस्टर को टेस्ट जो है वो हम कैसे करते हैं मल्टीमीटर से. उसमें मार्किंग होती है, उसकी वैल्यू से हम पहले ये मालूम करते हैं, कलर कोड मालूम करते हैं कि जी रेजिस्टेंस कलर कोड जो है
आपको पहले भी पढ़ाया था, वो लेक्चर दिया था रेसिस्टेंस कलर कोड पे, तो हमने बताया था आपको कि उस पे स्ट्रिप्स होती हैं, उससे हम रीड करते हैं उसकी वैल्यू और फिर हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से, अगर वो दोनों मैच कर रही है इसका मतलब रेसिस्टेंस इज इन गुड कंडीशन, या फिर अगर वो ओपन दे रहा है या फिर वो शॉर्ट दे रहा है, बहुत कम रेसिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब है वो रेजिस्टर डैमेज हो चुका है, वो खराब हो चुका है, वो प्रॉपरली वो काम नहीं कर रहा जिसके लिए उसको सर्किट में वहां प्लेस किया गया। तो आइए रेजिस्टेंस की टेस्टिंग कैसे होती है फिक्स रेजिस्टर्स की, उसको चेक करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है आपको ये बताना भी। रेजिस्टर्स आर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दैट लिमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इफ यू एवर सस्पेक्ट दैट अ रेजिस्टर मे हैव बिकम फॉल्टी, हियर इज अ वे टू टेस्ट देम। In order to test a resistor, you should first disconnect one. ये देखें, ये हमारे पास आप सर्किट देख रहे हैं, तो ये सर्किट में देखें रेजिस्टर लगा हुआ है, सही है ना? ये R26, R10, ये सारे रेजिस्टेंसेस लगी हुई है आपके पास, और ये आप क्या कर रहे हैं अभी, अगर आपको रेजिस्टेंस को टेस्ट करना है, ये फिक्स रेजिस्टेंस है, इसमें ये देखें आप ये मार्किंग बनी हुई है, देखें बाहर ये जो मार्किंग है ये स्ट्राइप्स बनी है 1, 2, 3, 4, अभी जो पहली स्ट्रिप है ये फर्स्ट डिजिट होती है, सही है, और इसके कलर से इसका कोड निकलता है कि जी इसका कलर क्या है, उससे कोड, ये सेकंड स्ट्रिप है आपकी डिजिट है, ये तीसरा जो है ये मल्टीप्लायर है, यानी मल्टीप्लायर 10 की पावर, जो भी आपका इसका कलर है उसका एक कोड होगा, वो उसकी पावर पे जाएगा, ये मल्टीप्लायर बैंड होता है, ये तीन बैंड है, फर्स्ट बैंड इज द फर्स्ट डिजिट, सेकंड बैंड इज द सेकंड डिजिट ऑफ द रेजिस्टेंस वैल्यू, थर्ड बैंड इज द मल्टीप्लायर, एंड फोर्थ वन इज द टॉलरेंस। अब ये जैसे यहाँ पे गोल्डन कलर की ये जो है ना फोर्थ वाली स्ट्रिप है, तो ये फोर्थ स्ट्रिप हमें ये बता रही है कि ये बेसिकली जो है ये 5% इसमें टॉलरेंस है, यानी 5% इसकी वैल्यू ज्यादा या कम हो सकती है अपनी एक्चुअल वैल्यू से, ये दरमियान के अंदर ये रेंज दी हुई है। तो आइए समझते हैं आगे कि रेजिस्टेंस को किस तरह से टेस्ट किया जाता है। ये देखिए हमने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में से इसको एक लेग को बाहर निकाल लिया, एक कनेक्शन आपको बाहर निकालना ही पड़ेगा इसको चेक करने के लिए। Next, you will want to obtain an electrical meter capable of measuring resistance. और उसके बाद आप एक डिजिटल मल्टीमीटर लेंगे यहाँ पे, और उसको आप किस पे सेट करेंगे ये आप देखें इसमें, तो पहले भी लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वाले लेक्चर में आपको बताया था कि इसके अंदर एक चीज होती है जी ओहम, ये ओहम वाली वैल्यू आपको दी है, ये ओहम मीटर होता है, सही है ना, ये डीसी मेजर करने के लिए है, और ये जो है वो आपका एसी सप्लाई मेजर करने के लिए है, सही है, ये डीसी वोल्टेज मेजर करने के लिए है, ये भी डीसी वोल्टेज मेजर करने के लिए है, ये एसी वोल्टेज मेजर करने के लिए है, और ये भी एसी वोल्टेज, ये एसी, ये दोनों एसी करंट मेजर, ए लिखा हुआ है, ये दोनों एम्पेयर है, एसी करंट मेजर करेंगे इनसे दोनों से आप, ये अल्टरनेटिंग करंट का इसमें सिंबल बना हुआ है, और यहाँ पे ये स्ट्रेट सिंबल बना हुआ है, तो ये देखें ये जो है, अच्छा इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये जो एम्पेयर मालूम करता है ये डीसी एसी दोनों मालूम करता है यहाँ से, सही है ना, और ये भी, और यहाँ पर जो है ये एसी मालूम करता है, और यहाँ पे ये डीसी करता है, और यहाँ पे ये दोबारा डीसी वोल्टेज मालूम करता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या मालूम करता है जी, ये ओम्स मालूम करता है, तो ओम पे इसको सेट करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए। क्लियर हो गया इस सिलेक्टर को, क्लियर हो गया, आइए समझते हैं आगे क्या करेंगे फिर। This is usually called an ohm meter. इसको ओम मीटर भी कहते हैं, and is often a function of a standard multimeter. हर स्टैंडर्ड मल्टीमीटर में ओम मीटर जरूर होता है। Before proceeding, you will want to determine the rated value of the resistor that you would like to test. If your resistor is of the colored band variety, you will need to look up each colored band to determine its meaning. Typically, the first two bands will represent single digit numbers. जो पहले दो बैंड होते हैं वो सिंगल डिजिट नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सही है? The third band represents a multiplier. थर्ड बैंड जो है वो मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये दो, ये हो गया वन, ये हो गया टू, दो नंबर आ गए मिसाल के तौर पे, और ये हो गया जी मल्टीप्लायर 10 की पावर, जो भी आपका बैंड का कलर है उसके मुताबिक इसकी वैल्यू आप उसकी रख देंगे, या यहाँ भी ये अगर ये ब्लैक है मिसाल के तौर पे तो 10 की पावर 0 हो जाएगा, और लास्ट बैंड जो है ये गोल्ड है, और ये 5% प्लस माइनस 5% ये टॉलरेंस को जाहिर करता है, अगर सिल्वर होगा तो टॉलरेंस 10% होगी, 5 है तो गोल्ड है तो 5% होगी। And the fourth band will be an accuracy rating for the device. The ceramic and wire varieties of resistors will often be labeled in ink with a value. ये जो सिरेमिक रेजिस्टर होता है और ये जो वायर वाउंड रेजिस्टर्स होते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये दिस इज अ वायर वाउंड रेजिस्टर, ये सिरेमिक रेजिस्टर, इनके ऊपर मार्किंग हुई भी होती है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 100 ओम्स लिखा है, इस पे भी मार्किंग हुई भी होती है कहीं ना कहीं पर, और उससे हमें ये पता चल जाता है कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है,
carbon and metal variable resistors will usually have a stated value label. कार्बन और मेटल जो आपके रेजिस्टर्स होते हैं या आपके जो वेरिएबल रेजिस्टर्स होते हैं इनके ऊपर भी इनकी वैल्यू जो है वो लिखी होती है कि जी इनकी कहां से कहां तक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है उसमें वेरिएशन आएगी. But you can also look for a smooth transition as adjustment is made to the wiper position. After determining the rated value of your resistor, set your meter to an appropriate range and connect the leads. Polarity does not matter. Compare your reading with the value determined above. It should be near the given value and within the tolerance range. जी हाँ, तो अगर आप इसको मेजर करें तो आपने मेजर करके ये देखना है कि जो स्ट्राइप्स ऊपर लगी हुई हैं, जो ये जो बैंड्स लगी हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, ये जो वैल्यू बता रही हैं, यानी ये उस पर लिखी हुई वैल्यू समझ ले एक तरह से, आप उसको डीकोड करेंगे कलर कोड को, और जो वैल्यू मीटर के अंदर आ रही है वो उनमें ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, वो तकरीबन एक जैसी होनी चाहिए. इसका मतलब है आपकी रेजिस्टेंस जो है प्रॉपर काम कर रही है. इफ नॉट द रेजिस्टर हैज मोस्ट लाइकली गॉन बैड. फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज विजिट galco.com. तो ये आपको हमने फिक्स रेजिस्टर टेस्ट करने का तरीका बताया, आप भी लैब में जाके कर सकते हैं. आप एक रेजिस्टेंस लीजिएगा लैब में और उस रेजिस्टेंस को मल्टीमीटर लीजिएगा, इशू कराइएगा और उसके बाद चेक कीजिएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू. पहले आप कलर कोड लिखिएगा साथ में, कलर कोड वाला लेक्चर अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा, दोबारा आपको दिखा दिया जाएगा. और कोई सवाल है तो और पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे मुझसे. तो कलर कोड वाला जो चार्ट है उसमें से आपने देखना है जो भी रेजिस्टेंस आपको दी है कि उसमें क्या वैल्यू है उसकी, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने मेजर करनी है वैल्यू बाय यूजिंग मल्टीमीटर, और फिर देखना है कि दोनों में कितना डिफरेंस है. अगर वो तकरीबन सेम है तो बिल्कुल अच्छा है, अगर रेजिस्टेंस जो है वो शॉर्ट शो कर रहा है, बहुत कम वैल्यू शो कर रहा है, तो इसका मतलब है रेजिस्टर खराब हो गया, शॉर्ट हो गया. अगर वो ओपन शो कर रहा है, बहुत हाई वैल्यू शो कर रहा है, या ओपन ओ एल लिखा हुआ आ रहा है, ओ एल फ्लूक मीटर में ओ एल लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब वो ओपन हो गया, सही है. तो ये आपने अपने गौर से देख लेना है, और फिर वो ये दोनों केसेस में तो फॉल्टी हो गया है वो, अगर वैल्यू उसकी ज्यादा चेंज हो गई है तो फिर तब भी फॉल्टी हो गया है. अगर उसकी वैल्यू करीब करीब आ रही है अपनी रेटेड वैल्यू के, जो उसके ऊपर मार्क है स्ट्रिप्स की फॉर्म में, कलर कोड की फॉर्म में, बैंड्स की फॉर्म में, इसका मतलब है कि वो सही है. सही है. तो आज हमने पढ़ा जी फिक्स रेजिस्टर क्या होता है, उसकी टाइप्स पढ़ी हमने, पढ़ा जी कि चंद इंपॉर्टेंट टाइप्स हमने पढ़ी जी, मेटल फिल्म, कार्बन फिल्म, सेरेमेंट फिल्म और कार्बन कंपोजिशन और वायर वाउंड, ये फाइव टाइप्स, और फ्यूजिबल रेजिस्टर्स, ये सिक्स टाइप्स बड़े इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं रेजिस्टर के. सही है. अच्छा जी, तो ये फिक्स रेजिस्टर वो होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती. रेजिस्टर इज सेट टू बी अ फिक्स रेजिस्टर इफ इट्स वैल्यू इज फिक्स. वो रेजिस्टर फिक्स रेजिस्टर कहलाता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है और चेंज नहीं होती. द वैल्यू ऑफ फिक्स रेजिस्टर कैन नॉट बी वेरीड लाइक अ वेरिएबल रेजिस्टर. इसकी वैल्यू वेरी नहीं कर सकते आप, कम ज्यादा नहीं कर सकते. फिक्स वैल्यू होती है इसकी, जिसके ऊपर ये डिजाइन होता है. ये वेरिएबल रेजिस्टर में इसमें कोई नॉब नहीं दिया हुआ या स्लाइडर नहीं दिया हुआ, रेफर माय लेक्चर वेरिएबल रेजिस्टेंस, कि आप उससे इसको कम ज्यादा करें. उसमें बाकायदा आपको एक्सपेरिमेंट भी मैंने शो किया हुआ है. एज इट वैल्यू इज डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ. इसकी वैल्यू जो है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो होती है वो फिक्स वैल्यू होती है. हाँ, अगर ये खराब हो जाता है विद टाइम डेटोरिएशन की वजह से, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, फिर वो काम कर नहीं रहता, वो सर्किट में से निकालना पड़ता है. सही. तो ये है हमारी आज का लेक्चर फिक्स रेजिस्टर्स के ऊपर. उम्मीद है आपको समझ आया होगा. कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है. आइए आपको आज का असाइनमेंट भी दे दूं. व्हाट इज अ फिक्स रेजिस्टर? फिक्स रेजिस्टर की तारीफ आपने बतानी है एंड ऑल्सो गिव टाइप्स ऑफ फिक्स रेजिस्टर. वो पूरा चार्ट बना के बताना है कि जो है ना कार्बन कंपोजिशन होता है, वायर वाउंड होता है, मेटल थिक फिल्म होता है, थिन फिल्म होता है, थिन फिल्म के अंदर जो है वो हमारे पास फ्यूजिबल रेजिस्टर्स क्या करते हैं, फ्यूजिबल रेजिस्टर को अच्छी तरह से पढ़ना. सही है. तो ये हमारे सवाल थे, असाइनमेंट था, और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू. थैंक यू क्लास. अस्सलाम वालेकुम.